नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। ये क्लास हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम सीरीज करेंगे। सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। हमने सीरीज का पार्ट वन कर लिया था, पार्ट टू कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम सीरीज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और शेयर करना नहीं भूले। सीरीज का हमने पार्ट वन कर लिया था, वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके आगे अब हम कर लेते हैं एक उदाहरण। उदाहरण मैं लिख लेता हूँ, फाइव सेवन 13, 25 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये बताना हमें, ठीक है। ये एक सीरीज है, आगे का नंबर बताना है क्या आएगा। तो इसके और इसके बीच में कितना गैप है, 0 का गैप है, ठीक है। और इनके बीच में 2 का गैप है, और इनके बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है, ठीक है। और इनके बीच में 12 का गैप है। यानी अब हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा कि जिससे हम ये पहचान सके कैसे हो सकता है। डिफरेंस से तो हमें नहीं पता चला ना, गुणा और गुणा होती तो डबल, यानी संख्या छोटी से बड़ी होकर चलती। अब हम डबल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और 6 का डिफरेंस ऐसे हो सकता है, ठीक है। और आगे डिफरेंस हो सकता है ये 8 का, यानी 2 2 का डिफरेंस है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 ऐसे हो सकता है, ठीक है। और अब हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो 20 हो सकता है, यानी इसके अंदर 20 जोड़ना में, तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 45 एक तरीका तो ये 45 निकालने का। एक तरीका ये भी हो सकता है, चलो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में कोई भी तरीका पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि हर तरीका जो हम कर रहे हैं वो सही हो, ठीक है। एग्जामिनर क्या चाहता है वो सोचना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 0 कैसे बन सकता है, पहले तो हम ये देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 बन सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 बन सकता है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 बन सकता है, 3 या 9 और 3 12, 2 2 4 और 2 6। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 करेंगे 2, और 0 का स्क्वायर 0 करेंगे और प्लस में 0 करेंगे तो ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। यानी एक सीरीज ये चल रही है और एक जो हमने पहले की थी 2 का डिफरेंस, यानी डबल डिफरेंस में 2 का डिफरेंस, वो भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर बन सकता है 4 की स्क्वायर प्लस में 4, 4 चौके 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 16 4 20, 20 ऐड करेंगे तो इसमें कितना आएगा 45, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं, 7 6 8 15 29 और नेक्स्ट का बताना कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर ये पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं, यानी गुणा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अंक छोटे छोटे हैं। तो माइनस 1 का डिफरेंस है, प्लस 2 का डिफरेंस है, प्लस डिफरेंस है इसके अंदर 7 का, और यहाँ पर डिफरेंस है ये 9 और 5 14 का। अब इसके अंदर क्या टिक लग सकती दोस्तों, अब हम डबल डिफरेंस फिर चेक करते हैं। तो इनके इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, इनके बीच में 5 का, इनके बीच में 7 का, ये भी हो सकता है। डबल डिफरेंस में 2 2 का गैप आ रहा है, 3 5 7 और 9 14 और 9 कितने होते हैं, 23 23, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें हो जाएगा 9 और 3 12 और 1 कैरी, ये 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये, और एक ये भी हो सकता है, 1 की स्क्वायर माइनस 2, इसके अंदर ये इधर वाला बता रहा हूँ मैं, और ये हो सकता है 2 की स्क्वायर
माइनस दो, तीन की स्क्वेयर माइनस दो, चार की स्क्वेयर माइनस दो, पाँच की स्क्वेयर माइनस दो, ठीक है। चार की स्क्वेयर कितना होता है सोलह, सोलह में से दो गए चौदह, पाँच की स्क्वेयर पच्चीस, पच्चीस में दो गए तेईस, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये आप करके देख लेना, जो अब करा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, ठीक है। आठ, सताईस, चौंसठ, एक सौ पच्चीस, दो सौ सोलह, और नेक्स्ट का बताना है। इसमें हमें देखने से पता चल रहा है या तो गुणा होगी या स्क्वेयर होगी या फिर क्यूब होगी, तीनों में से एक हो सकता है, क्योंकि छोटे से बड़े अंक बनते जा रहे हैं। तो अब हम गुणा करके देखते हैं, आठ या चौबीस नहीं जा रहा, ऐसे हो सकता है, हम जो पॉसिबिलिटी बनती है वो करके देखें, ठीक है। आठ गुणा तीन, चौबीस प्लस में तीन, तो इसके अंदर सताईस, दूना चौवन, गुणा दो प्लस में दस, और यहाँ पर देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी इसको हम यहाँ पर तीन से गुणा की, यहाँ पर दो से, फिर यहाँ पर एक से करेंगे गुणा, और फिर हम इसमें तीन ऐड किया, दस ऐड किया, या ये यहाँ पर हम सत्रह ऐड करेंगे, तो अभी ये सही नहीं बन रहा, यानी ऊपर वाला पॉसिबिलिटी तो होगी हमारी ख़राब, यानी इसको हम छोड़ देते हैं, ये नहीं हो सकता। एक होता है गुणा की नहीं हुई, डबल डिफरेंस से चेक कर लेते हैं, डबल डिफरेंस में भी गुणा हो सकती है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 19 का, और इनके बीच में डिफरेंस कितना का है, ये हो गया 37 का, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस कितना का हुआ, ये हो गया 70 और 61 का हो गया शायद, हाँ 61 का हो गया। और इनके बीच में डिफरेंस कितना का हो गया, ये हो गया 91 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब गुणा करें तो भी नहीं हो रहा, अब डबल डिफरेंस और चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 18 का और यहाँ पर कितना हो गया 40 और 21 24, और यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो गया 30 का, 18 छः 24, 24 छः 30, 30 छः 36, ऐसे आ सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। अब हम इसमें 36 ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 6 और 1 7 9 3 12, 127 ऐड करना है इसमें। लेकिन जो ये ट्रिक लगा रहे हैं ये एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूमिंग है, यानी इस तरीके से करें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें, इस ऐसा भी करना पड़ सकता है कई बार, ठीक है। अब इसको ऐड नहीं करके देखेंगे, तो हम लास्ट का नंबर ही ऐड करके देखेंगे, 7 और 6 13, लास्ट में 3 आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन है, वही सही होगा, ठीक है। अगर 3 दो में से दो ऑप्शन में मैच हो जाता है तो हमें नेक्स्ट वाला ऐड करके देखना होगा, 2 और 1 3, 3 और सॉरी एक कैरी भी तो था इसका, तो 4-3 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3, 343 आंसर आएगा, ठीक है। और इससे जल्दी ऐसे आ सकता है इसका, ये मैंने आपको बताया था 1 से 10 तक आपको होनी चाहिए याद, क्यूब, क्यूब नंबर नहीं बन रहा क्या, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, 7 की क्यूब कितनी होती है 343, 6 की 216, 5 की 125, 4 की 64, 3 की 27, 2 की 8 क्यूब होती है। क्यूब वो होती है जो अपनी संख्या का 3 बार गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जैसे 4 की ले तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, इस प्रकार। अगर हमें क्यूब याद होती तो हमें ये करना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट देखा आंसर, 2 की क्यूब, 3 की 4 की, 5 6 की, 7 की क्यूब, 343 आंसर क्लिक किया, 2 सेकंड का खेल था दोस्तों, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, 5 6 14 41 105, और नेक्स्ट का बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब हम छोटे से ज़्यादा बड़े नंबर नहीं जा रहे, यानी ये ऐसे नहीं हो सकता,
अब हमें इसका डिफरेंस चेक करना होगा एक का, और ये डिफरेंस है 8 का, और ये डिफरेंस है 27 का, और ये डिफरेंस है 64 का। मैंने आपको बताया था कि डबल डिफरेंस हो सकता है। डबल डिफरेंस क्यों चेक करें, क्योंकि हमें देखने से पता चल गया कि ये क्यूब है। अभी तक अभी हमने किया था ना 1 से 10 तक क्यूब, वही ये सेम हो रहा है। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125। अब हमें इसमें 125 ऐड करना है। 5 और 5 जोड़े 0 आई, जिसमें भी ऑप्शन में 0 होगी वही हमारा आंसर होगा। अगर एक अगर 4 ऑप्शन में से एक में 0 है तो वही हमारा आंसर है। अगर 2 में 0 है तो हमें नेक्स्ट अंक देखना होगा। 2 और 0 कितना होता है, 2 और 1 कैरी थी हमारी 3, जिसकी आंसर में 30 होगा वही हमारा आंसर होगा लास्ट के अंदर, ठीक है। और जो 1 और 1, 2, 230 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी और कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कैसे करना था। इसी से रिलेटेड एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। 2, 2, 3, 11, 38 इसमें भी कुछ दिमाग लगाने की बात है, कैसे हो सकता है। वैसे हमने मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, स्क्वेयर नहीं हो सकती, क्यूब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो नंबर सेम है, ये एक ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है, यानी इसलिए नहीं हो सकता। अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखें तो 0 का, 1 का, 8 का और 27 का। अब 1, 8, 27 को देखकर कुछ आपको ध्यान आया होगा, कुछ भी ध्यान आया होगा। ये देखिए 1, 8, 27 आया ना ध्यान, तो वही है दोस्तों, ये क्यूब है। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब हमें इसमें 64 ऐड करना होगा, ठीक है। तो 64 ऐड करें तो सारा में ऐड नहीं करना, सिर्फ एक अक्षर लास्ट का चेक करना है। ऑप्शन मिल जाता तो बहुत बढ़िया बात। 8 और 4, 12, यानी जिसके लास्ट में 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। और 1 कैरी हुई तो 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, 102 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो अब एग्जांपल कराऊंगा उसमें शायद आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, मैं लिख देता हूँ। अगर आप उनको सॉल्व करना चाहो तो वीडियो को रोक करके हल करने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए क्योंकि अगर दिमाग में आ गया ना फिर तो बिल्कुल आसान है, अगर दिमाग में नहीं आता तो टफ है। मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 3, 9, 5, 16, 8, 25, 11, थोड़ी लंबी सीरीज लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर बताने क्या आएगा इसके अंदर दोस्तों, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले तो हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, कितना डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस -1 +6 -4, और यहाँ पर डिफरेंस हुआ हमारा 11 का, और यहाँ पर डिफरेंस हुआ -8 का, और यहाँ पर डिफरेंस हुआ हमारा, यहाँ पर हुआ 17 का, और यहाँ पर हुआ ये -14 का। अब देखिए दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो डबल डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस हुआ 3 का, और इनके बीच में डिफरेंस हुआ 7 का, और यहाँ पर हुआ 10 का, और यहाँ पर हुआ 15 का, और यहाँ पर डिफरेंस हुआ 20 का, और यहाँ पर हुआ 17 और 8, 25 का, और यहाँ पर हुआ 31 का। तो अब हम इसको देखते हैं क्या चीज बनी। 3, 4, 7, 7, 3, 10, 10, 5, 15,
थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो शायद, नहीं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, नहीं आ रहा ना, तो यानी ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये तरीका हुआ हमारा फैल। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट अभी, यानी वो तरीका नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं कुछ हमें हिंट मिल जाए तो, थोड़ा सा दोस्तों इसकी सीरीज पर ही हम ध्यान लगाते हैं तो हमें पता चलता है 2, 3, 5, 8, 11 यानी कितने ऐड हुए, 1, 2, 3, माफी चाहता हूँ दोस्तों ये 12 है यहाँ पर, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, तभी मैंने सोच रहा कहाँ पर गलती हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐड हो रहे हैं इनमें, तो ये तो मैं पता चल गया, लेकिन बीच वाले नंबर का हमें कैसे पता चलेगा। इसके अंदर भी हम डिफरेंस चेक करते हैं, कितना डिफरेंस आया 5 का और इनके बीच में कितना डिफरेंस आया, या 7 का और इनके बीच में डिफरेंस कितना का आया, अच्छा 9 का, यानी सब में 2-2 ऐड हो रहे हैं, 5, 2, 7, 2, 9 और जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 2 ऐड हो जाएंगे, यानी 11 यहाँ पर आएगा, इसमें 11 ऐड होंगे, तो 25 में से 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आंसर आएगा हमारे दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये 2 से 4 सेकंड के अंदर हल हो सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो, नहीं तो ये कम से कम 1-1.5 मिनट तक ले सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है और हमारा आंसर आ जाता है। मैंने बताया था थोड़ा सा टफ हो सकता है, और जिसने भी जो मैंने अब तरीका अपनाया था वो सबसे पहले अपना लिया तो उसका ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब इसी रिलेटेड एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, 4, 9, 6, 16, 10 बीच वाला बताना है इस बार, और ये हमारा यहाँ पर आएगा 16, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से, चलो पहले डिफरेंस से चेक करते हैं, कितना डिफरेंस, 5 का माइनस 3 का प्लस 10 का माइनस 6 का, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे भी नहीं पता, यानी 5 से 10 हो रहा है, 10 से यहाँ पर 15 हो सकता है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है 5, 10, 15, तो हम 15 ऐड करके देखते हैं यहाँ पर तो सही आता है नहीं आता, तो इसमें ये हो गया हमारा 15 ऐड करने पे 25 बन गया। तो हम हमें ये भी करके देखना होगा, 3 और 6 यानी 3-3 ऐड हो रहे हैं माइनस के अंदर, तो माइनस के 9 करके देखते हैं यहाँ पर, -2, 9 अगर सही जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वरना हमें और तरीके से चेक करना होगा। 25 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, जी हाँ दोस्तों 16 ही बचते हैं, बिल्कुल सही कहे दोस्तों, फर्स्ट टाइम में हमारा बिल्कुल सही हो गया, इसलिए हमें और करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें इनका डबल डिफरेंस चेक करना होगा, वैसे चेक करना पड़ता है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। 2-4 एग्जांपल और है जो अब मैं करा रहा हूँ, वो बैंकिंग के एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो अब मैं करा रहा हूँ, 18, 27, 38, 51 और नेक्स्ट का नंबर बताना है कि क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है दोस्तों इसका 7, 2, 9 का और यहाँ पर है 8, 3, 11 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 11 और 2, 13 का, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 का, ये तो आसानी था, यानी इसमें 15 जोड़ेंगे तो 66 आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसका एक और बनता है, मैंने आपको इस तरीके से नहीं करवाया,
यानी मैंने इसको और तरीके सोच के करवाया था। मैंने इसको सोचा था 4 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी ये 18 बन रहा है ना, 4 × 16 दो 18, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5×25 और 2×27, 6×36 और 2×38 और 7×49 और 2×51, यानी मैंने 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, ये सोच के मैंने आपको करवाया था। लेकिन मैंने ये भी एक और दूसरा तरीका निकल गया इसको हल करने का, ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है अगर निकल गया तो। इसको नेक्स्ट वाला भी करके देखते हैं, 8×8 = 64 और प्लस में 2 = 66, बिल्कुल सही जा रहे दोस्तों। हाँ, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक उदाहरण और ले लेते हैं हम तब तक, 3, 5, 9, 17 और नेक्स्ट का बताना है कि क्या है इसके अंदर। दोस्तों देखने से पता नहीं चल रहा कि आपको दोनों का हमने जो नंबर दिया उनको डबल किया, 3 की हमने 2 से मल्टीप्लाई की और -1 किया, 3×2 = 6 - 1, 5×2 = 10 - 1 और 9×2 = 18 - 1 × 2 = -1 और यहाँ पर 7×2 = 34 और -1 किया तो 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बन सकती है सीरीज। और नेक्स्ट है 4, 6, 10, 16, 24, ये तो आपको पता चल ही गया। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 34 आंसर आ जाएगा। और जो एक तरीके से बन सकती है वो अभी करा रहा हूँ, वो लास्ट होगी और इम्पोर्टेंट होगी, बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी बैंक में ये ज़्यादा पूछते हैं जो अभी मैं करा रहा हूँ। 1, 2, 5, 15, 52.5, 210 और नेक्स्ट का बताना कि क्या आएगा। अब 52.5 देखकर हमें अंदाजा लग गया कि इसके अंदर कोई ना कोई मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, हाफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, हमें इतना तो पता चला। और ये साथ में ये भी पता चला कि मल्टीप्लाई है क्योंकि छोटे से बड़े नंबर बनते जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या जोड़े कि 2 बन जाए, इसके अंदर ऐसे हो सकता है 1 से गुणा करें और प्लस 1 करें, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है इसकी मल्टीप्लाई 2 से करें, दोनों साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2×2 = 4 और प्लस 1 करें, ठीक है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर वाला नहीं जा रहा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो अब हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2.5 से, तो 2 की 2.5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 5 और हमारा नीचे वाला बिल्कुल सही जा रहा है, 2×2 = 4 और 1×5, ठीक है। हमने यहाँ पर एक अंक बढ़ाया, एक अंक यहाँ पर बढ़ाया, ये सेम ही रहा। अब हम इसमें एक अंक और बढ़ाते हैं, 5×3 = 15 और 1 ऐड करें तो 15 नहीं, हमारा 16 आना चाहिए, लेकिन ये नीचे वाला तो हो गया हमारा गलत, 5×3 = 15 और 1 16 होना चाहिए था, ठीक है। अब नीचे वाले को तो हम छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को लेकर चलते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई की फिर 2.5 से और हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई की तो हमारा बिल्कुल सही है, 5×3 = 15, ठीक है। अब ऊपर वाला बिल्कुल सही चल रहा है। अब 52.5 कैसे आ सकता है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। 2 से मल्टीप्लाई की फिर 2.5 से फिर 3 से, यानी इसमें आधा अंक बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर आधा अंक बढ़ाकर देखते हैं, मल्टीप्लाई करनी है 3.5 से, यानी 3.5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 15×3 = 45 और 15 की
आधा से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5, और इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52.5 आएगा। बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों। हाँ, अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210 है। क्यों, कैसे जल्दी निकाला मैंने? अब 4 से मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करी आप सोच रहे हो, मैं बता देता हूँ। 5 × 20 जीरो आ गई और 2 कैरी होगी, 4 × 2 = 8 और 2 × 10 जीरो आ गई, और उसके बाद में 5 × 20 और 1 करी थी वो आ गई 210। ठीक है, 210 आ गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4.5 से, 4.5 से। इसको भी हम ट्रिक से करें तो जल्दी हो जाएगी, यानी इसको हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करें फिर 0.5 से मल्टीप्लाई माइनस कर दी। चलो वो भी छोड़ो, सीधे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो हम इसकी डायरेक्ट कर लेते हैं, पहले 4 से करेंगे फिर 0.5 से करेंगे। तो 200 की 4 से करें कितना है 800, और 10 की 4 से करें तो 840 तो ये आ गया। और अब 0.5 की 210 से करें तो यानी 210 का आधा कितना होता है 105, 105 और ऐड कर दें तो कितना आंसर बन जाएगा हमारा 549 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीरीज का पार्ट 2 करेंगे जिसमें ए बी सी इस प्रकार की सीरीज होगी। ठीक है, वो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज क्लास यही समाप्त करते हैं, और पसंद आई दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का ये फायदा है जो भी हम नई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।